साथियों, मैं हूँ संतोष जाथात। आज मैं आयोजक यूनिवर्सिटी आया था। तो अभिव्यक्ति का माध्यम अलग अलग होता है, कोई ड्राइंग बनाकर करता है, कोई लिखता है, कोई कुछ करता है। तो जो कला हमेशा से ही जो है सर्वोच्च स्तर पर रही है, इंसान की संवेदना को प्रदर्शित करती है। मैं यहाँ आया, देखा तो यहाँ पे कुछ आर्टिस्ट बच्चे भी थे, तो सोचा बात की जाए। ये आपकी पेंटिंग है, आपने बनाई हुई है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सोनाली सिंह। सोनाली सिंह, ये क्या करती हैं आप? मैं मोस्टली स्केचेस बनाती हूँ और मंडला आर्ट बनाती हूँ। स्केचेस, मंडला आर्ट? नहीं, स्केचेस बनाती हूँ जो ह्यूमन लाइफ को डिपिक्ट करते हैं। मेरी थीम है कि ब्यूटी एग्जिस्ट इन डार्क आल्सो, मतलब ब्यूटी एग्जिस्ट इन डार्क आल्सो। अच्छा, सुंदर है हमेशा, उसमें ब्यूटी नहीं होती, डार्कनेस जो है उसमें भी अपनी एक ब्यूटी। वाह, बहुत साथियों ये समझ रहे हैं, इनकी थीम बहुत ही अच्छी है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। इन्होंने कहा जो देखने में चीज़ें सुंदर होती है उसमें ही ब्यूटी नहीं होती है, जो निगेटिव मतलब जो डार्क चीज़ें या निगेटिव चीज़ में भी पॉजिटिव छिपी रहती है, यही है। तो इस पर, इस थीम पर ये क्या बनाया है? ये मैंने बेस्ट फ्रॉम वेस्ट बनाया है। मतलब आप, कोई ज़रूरी नहीं कि आपको महंगे महंगे पेन या महंगे महंगे पेपर्स खरीदने पड़े, बिकॉज लोग कहते हैं फाइन आर्ट्स इज़ अ वेरी सब्जेक्ट। तो आप न्यूज़पेपर पे, पैम्पलेट पे, जो भी आप अफोर्ड कर सकते हैं, इवन अ सिंगल पेंसिल, यू कैन मेक एनीथिंग। साथियों ये कितनी, ये तो थीम मुझे आज पहली बार दिखा कि ये देखिए कि अभी तो मैं ब्लैंक पेपर पे ही देखता था, कोई बनाता था, आज लाइफ में पहली बार देखा कि ये जो पेपर है उसका यूज करना बहुत। ये क्या थीम है? ये मंडला आर्ट है, आप पेन्स के थ्रू बना सकते हो। आप मंडला आर्ट? हाँ, मंडला आर्ट है। अच्छा, आप पेन के थ्रू, आप आपके पास अगर कोई भी बॉल पेन है, कैसा भी पेन है, आप उससे बना सकते हो आर्ट। अच्छा अच्छा, आप जो जैसे हम लोग पुरानी बुक्स वगैरह फेंक देते हैं एक सर्टेन टाइम के बाद पढ़ने के बाद, या हम लोग रद्दी वाले को दे देते हैं, हम लोग उस पर भी अपनी आर्ट स्केचेस बना सकते हैं। अच्छा साथियों, इनका थीम मुझे बहुत अच्छा लगा, इनका जो आर्ट का थीम आर्ट है, इनका वेस्ट वेस्ट मटेरियल को यूज़ करने का है। तो इनका तो थीम मल्टीपर्पज है, तो आर्ट अपने आप में संवेदनाओं की अभिव्यक्त करता है, लेकिन वेस्ट मटेरियल के साथ आर्ट, ये मैंने पहली बार सुना है। ये इसका क्या पर्पज है आपका बताइए? ये मैंने एक लेडी को दिखाया है कि किस तरीके से पोल के आस खड़े होकर बैक कर रही है ना, पीपल इग्नोर करके चले जाते हैं, तो वो साथ में कुछ ना कुछ वहाँ पे खड़ी है इतनी ठंड में, उसने कपड़े विंटर के पहने हुए हैं, तो मैंने वो दिखाने की कोशिश करी है। देखिए वास्तविक रूप में इन्होंने इस जो ये फोटोग्राफर है, इन्होंने वाकई इनके इनके अंदर कितनी संवेदना है, ये जो नॉट जस्ट अ पिक्चर, ये इनकी संवेदना को दिखा रही है कि हम लोग जो समाज में उपेक्षा करते रहते हैं गरीबों की और हैंडीकैप्ड की, या आते जाते देखते हैं लेकिन उपेक्षा करते हैं, तो इनके अंदर वेलफेयर का बहुत बड़ा भाव छुपा है, जैसा कि मैं इनकी पेंटिंग को देख के महसूस करता हूँ कि इनका मतलब आपका मैसेज है कि आदमी को समाज की सेवा खूब करनी चाहिए। अच्छा अच्छा, मैंने बर्ड बनाया है जो रिपीट करता है फ्रीडम को, ये देख। हाँ, अच्छा बर्ड है, बिकॉज ये फ्लाई बर्ड है, कोई ज्यादातर पेंटिंग में देखूंगा बर्ड किसी ने डाल पे बैठी हुई होगी या ऐसा आपने ज्यादा देखा होगा, इसमें भी मैंने डाल पे बैठा है, बट इसको मैंने उड़ते हुए दिखाया है दिखाने के लिए कि फ्रीडम को दिखा रहा है ये। देखिए इन्होंने ये बर्ड बनाई है, ये पक्षी जो है उन्मुक्त रूप से आकाश में विचरण कर रहा है, जैसे हम लोग जो है पिंजरे में जो है देते हैं, ये जो करते हैं ना ये उचित बिल्कुल नहीं होता है। इनका कहना है कि इंसान का जीवन उन्मुक्त होना चाहिए, यही कह रही है ना। ये मैंने रोज फ्लावर बनाया, रोज फ्लावर बेसिकली हम लोग इतने कलरफुल लोग बनाते हैं, रेड पिंक, बट मैंने इसको स्केच के रूप में बनाया ये दिखाने के लिए कि हर सुंदर चीज़ हमेशा कलरफुल नहीं हो सकती, वो अगर डार्क है फिर भी वो ब्यूटीफुल है। साथियों जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ, बताया सोनाली सिंह, सोनाली सिंह के जीवन का उद्देश्य और भावनाएं और विचार बिल्कुल अलग हैं। अलग इसलिए हैं कि इन्होंने जो है एक तो वेस्ट मटेरियल की बात कही, दूसरी बात जो जीवन का जो संदेश जो बड़े बड़े विचारकों ने कहा है, इनके अंदर विचारक वाला भाव, चाहे सॉक्रेटिस रहे हों या अरस्तु रहे हों या महात्मा गांधी रहे हों, कि जो हम लोग निगेटिव को निगेटिव करते हैं उनकी उपेक्षा करता है, लेकिन इनका ये जो क्षेत्र है ये मानव मात्र की सेवा से जुड़ा हुआ है, ऐसा है ना, मानवता और इंसानियत से जुड़ा हुआ है। आपको ये चैनल कैसा लग रहा है? चैनल बहुत अच्छा लगा, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। अच्छा अच्छा, ये एक मोटिवेशनल चैनल है और चैनल ऐसा है जो हैंडीकैप ब्लाइंड बच्चों के बीच जाता है
और डिफेंडम बच्चों के बीच जाता है, उनकी सेवा डायरेक्ट करता है। हर साल 4 जनवरी को लुई ब्रेल डे होता है। लुई ब्रेल, यू नो, लुई ब्रेल ने ब्रेल लिपि बनाई थी। हम लोग सब सेलिब्रेट करते हैं। आप सभी लोग कभी कभी वहाँ जाइए और उसका एहसास कीजिए, तब पेंटिंग बनाइए सभी लोग, और मज़ा आएगा। साथियों, चलिए हम चैनल की तरफ से इनके उम्मीद करते हैं कि एमएफ हुसैन की तरह ही एक, या लियोनार्डो दा विंची की तरह एक महान आर्टिस्ट बने। थैंक यू सो मच, नाइस टू मीट यू।